Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, then hey, this side Jaya Rawat and आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे. So guys, आ गई हूँ मैं ऑफिस से and काफ़ी टाइम हो गए क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ ही डाल रही थी और लॉन्ग वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं डाल रही थी. तो इस जिस वजह से जो मेरे वॉच टाइम आवर्स है वो कम हो रहे थे ब्लॉगिंग में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग भी बनाते हैं. एक हफ्ते में अगर मैं दो दिन भी ब्लॉग डाल लूँ लॉन्ग तो मेरे लिए सही रहेगा. तो इसीलिए शॉर्ट वीडियो क्या होता है ना कि शॉर्ट वीडियो सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड्स की होती है और उसमें मैं आपको सब कुछ नहीं दिखा पाती. ऑफिस तक तो ठीक है, वो तो आप लोग देख लेते हो, कुछ नहीं होता ऑफिस तक तो वैसे. उसके बाद लेकिन बहुत सी चीज़ें होती है. ऑफिस के आने के बाद मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ उसका अपडेट मैं आप लोग को नहीं दे पाती क्योंकि 60 सेकंड्स में बंदा क्या ही बताएगा. तो इसीलिए आई थॉट कि ऑफिस के बाद मैं क्या करती हूँ उसका एक ब्लॉग बनाते हैं. तो फिलहाल अभी मैं ऑफिस से आ गई हूँ, जस्ट आपके सामने बैग उतारा एंड मैंने सोचा कि हर चीज़ दिखाते हैं. तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि देहरादून में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, बारिश आ नहीं रही है और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है कि अगर आप एक जगह में खड़े भी हो ना तो आपको खड़े होते होते भी पसीना आ जाएगा, इतनी गर्मी हो रही है. तो इसीलिए अभी हम पहले मैं रूम साफ़ करने की सोच रही हूँ क्योंकि ऑफिस जाने की वजह से मैं रूम साफ़ नहीं कर पाती जल्दी क्योंकि लेट उठती हूँ. तो आके मैं साफ़ सफ़ाई करती हूँ पहले कमरे की, उसके बाद अगर बर्तन धोने वाले हुए तो मैं बर्तन धोती हूँ ताकि रात को मैं खाना बनाऊँ तो मेरे को बर्तन मिल पाए. एंड उसके बाद मैं नहाऊँगी क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा. तो पहले आप करते हैं अपने रूम का साफ़ सफ़ाई, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं और रूम दिखाते हैं आप लोगों को साफ़ करने के बाद. इस अभी जो मेरे कमरे की हालत है वो कुछ ऐसी है, देख सकते हैं आप, मेस्ड अप पूरी. ये भी और ये देखो, मेरा किचन इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है. बर्तन धोने हैं, हर चीज़ करना है. तो हम ये सब कुछ ठीक करेंगे, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है. सो गाइज, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जाती हूँ टेलर के पास क्योंकि मुझे थोड़े अपने जो कपड़े हैं वो स्टिच करवाने हैं, उनको थोड़ा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवाऊँगी मैं. तो चलते हैं टेलर के पास एंड मुझे सब्ज़ी भी लेने जानी है. अभी तक फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा है कि कौन सी सब्ज़ी खरीदेंगे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है. और मैं सोचती हूँ ना कि थोड़ा क्विक और इजी ऐसी सब्ज़ी वब्जी जो इजीली बन जाए, जल्दी बन जाए क्योंकि लेट हो जाती है बहुत ज़्यादा खाना बनाने में. ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लेट हो गई है अभी फ़िलहाल भी. तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं टेलर के पास और फिर आगे क्या करते हैं आपको दिखाएंगे. गाइस, आज तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा. तो लेट्स गो. जब मैं सुबह सुबह ऑफिस जाती हूँ तो मैं ये जो चौक ये है ना, गली एंड हो रही है जहाँ पर, यहाँ पे तो यहाँ पर मुझे ई रिक्शा मिलती है हमेशा और ये है देहरा खास. सो गाइज, मैं आ गई हूँ पार्लर में और जब से मैंने आंटी से फर्स्ट टाइम करवाया था तो मैं अपनी किसी दोस्त के कांटेक्ट के थ्रू ही यहाँ पे आई थी. और जिस दिन से मैंने आंटी से आईब्रो करवाए हैं तो मुझे आंटी के हाथ के ही आईब्रो पसंद है करवाए हुए. तो मैं इसीलिए, मुझे काम था थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था जैसे कि मुझे टेलर के पास भी जाना था. तो आंटी सूट वगैरह भी सिल लेती हैं तो मेरे मोस्टली जो मेरे साड़ी के ब्लाउज वगैरह है वो मैं आंटी से ही सिलवाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे और किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं है. और आईब्रो के चक्कर में तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ, मतलब वो होती है कि एकदम कॉन्शियस होती है कि अब हमारे आईब्रो जो है ना वो लुक को चेंज कर देते हैं पूरा. तो फिर आईब्रो कहीं से भी करवाओ तो अच्छे से करवाओ. तो मैं अभी आप लोगों को भाभी से मिलाती हूँ. तो ये है हमारी भाभी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आईब्रो करती हैं, सब कुछ अच्छा करती हैं, मतलब सब कुछ. तो आप यहाँ लोकेशन, इसका नाम क्या है जगह का? इंडियन ब्यूटी पार्लर है. हाँ, राजेश्वरी कॉलोनी ब्लॉक सी में. हाँ, देहरा खास. मतलब ये जो है ना, ये पार्लर मेरे रूम से थोड़ा सा ही दूर है तो मैं वॉक करते करते यहीं आ जाती हूँ. और जब मैं हॉस्टल में पीजी में रहा करती थी तब भी मैं यहीं आती थी, भले मैं जितना दूर चल जाऊँ मैं यहीं आती हूँ. मतलब मेरे को यहाँ के ही अच्छे लगते हैं और मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है. तो अभी फटाफट से हम आईब्रो करवाते हैं, उसके बाद घर निकलते हैं. तो गाइज, हो गया है मेरा आईब्रो वगैरह सब कुछ सेट. और आपको जैसा चाहिए आप वैसा उनसे बनवा सकते हैं. लाइक मुझे वी शेप में चाहिए था और थोड़ा मोटे मोटे में ही चाहिए था आईब्रो, तो उनने वैसे ही बनाया और अभी दूसरे कस्टमर को वो डील कर रहे हैं. तो अभी इसके बाद मैं अभी उनको बताऊंगी कि मेरे को कैसे अपना सूट वगैरह का फिटिंग करवाना है. अपर लिप्स और थ्रेडिंग करवाने का जो दर्द है वो लड़कियाँ ही समझ सकती है कितना ज़्यादा होता है. स्पेशली लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा ही पेन होता है. पता नहीं लेफ्ट साइड में मेरे को तो होता है लेफ्ट साइड में, हर जगह चाहे मैं अपर लिप्स बनाऊँ या थ्रेडिंग बनाऊँ लेफ्ट साइड में पेन होती ही होती है. राइट साइड का तो मैं थोड़ा डील कर लेती हूँ लेकिन लेफ्ट साइड का तो भाई बहुत भयंकर ही होता है. लेकिन अब आदत हो गई है और उनके हाथ से तो सच में अब दर्द भी होता. पहले जिनसे मैंने करवाया है उन लोगों के हाथ से सच में बहुत दर्द होता था. तो वो आराम से करते हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है.
गुड मॉर्निंग गाइस। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से, क्योंकि कल रात मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और लेट हो गई थी हर चीज़ पे, मतलब वहाँ आपको दिखाया वहाँ तक। फिर वहाँ से जब मैं घर आई तो मैंने सारा साफ़ सफाई किया, रूम की कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, मैंने आप लोग को दिखाया जैसे कि, और फिर उसके बाद मैंने साफ़ सफाई की। वैसे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी तो इसीलिए मैं खाना वाना खा के सो गई। एंड अभी सुबह मैंने सोचा कि उठ के सीधा काम वाम निपटा के नहा धो के आराम से उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नहा लिया है, ऑफिस के लिए मैंने कपड़े वगैरह सब पहन लिए हैं। तो हम पहले करेंगे पूजा, उसके बाद नाश्ता तो मैंने आज नहीं बनाया है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑफिस में जाके फ्रूट्स वगैरह मंगवा लूँ और वो खाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाहर की चीज़ें खा रहे हैं तो थोड़ा पेट को भी ब्रेक देना चाहिए और थोड़ा सा फिल्टर होना चाहिए, पेट भी थोड़ा सा शांति मिलनी चाहिए हमारे मशीन को, पेट वाले। तो इसीलिए पहले हम करेंगे पूजा एंड आपको रूम की कंडीशन अब दिखाती हूँ, पहले कैसी थी और अब कैसी है, ठीक है? तो दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये देखो गाइज, रूम की कंडीशन हो गई है, पूरी सही हो गई है एकदम। और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था, बर्तन भी मैंने सारे धो चुके हैं और अब मैं निकलती हूँ फटाफट से। पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं ऑफिस को। आ गई हूँ मैं ऑफिस में और हमने मंगवाए मास्क। मैं एक और लेके आना, ये नहीं मैं नहीं चाह रही हूँ। ये है हमारे मिथुन भैया, ये है दृष्टांत, काफी टाइम बाद मेरे ब्लॉग में आया है, हाय बोल दे। हाय। तो अभी हमारा लंच ब्रेक हुआ है एंड टिफिन मैं तो लेके नहीं आती हूँ, तो दृष्टांत ही लेके आता है मेरे लिए टिफिन। थैंक यू आंटी जो मेरे लिए टिफिन आप भेज देते हो इसके हाथ। और आज है टिफिन में चने की सब्जी। तो गाइस हो गई है छुट्टी एंड सब चले गए हैं और मैं भी जा रही हूँ अब घर, आज थोड़ा जल्दी छुट्टी हो गया अपने घर। और ये है मेरा कमरा एंड मैं लेके आई हूँ अपने लिए मिठा, बिकॉज बहुत गर्मी हो रही है। मेरे रूम के बाहर ना ये बेनिफिट है कि यहाँ पर सारी ग्रीनरी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को गर्मी लग रही है, हवा खाना है, तो वहाँ से एंटर कर सकते हो उधर। गाइज आई एम बैक इन माई रूम और इतनी गर्मी हो रही है ना, मेरा तो पूरा चेहरा गर्म हो रखा है, एकदम सर भी पूरा गर्म हो रखा है। अभी पंखे के नीचे आके बैठी हूँ। जब हम ऑफिस में रहते हैं वहाँ तो एसी रहती है, और जब एसी से जैसे बाहर निकलो वैसे ही गर्म। भाई ऐसा लगता है कि मुँह पे ना तमाचा मार रहा है, वो इतना गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। और उमस इतनी ज़्यादा हो गई है, तो मैं तो लेके आई हूँ अपने लिए मट्ठा, तो मैं अभी वही पीऊँगी थोड़ा सा, ताकि मुझे रिफ़्रेशिंग सा फील हो। और अभी मैं सोच रही हूँ एक वीडियो बनाने की, जो शॉर्ट्स में डालूँगी मैं, तो फिर वो एक दो दिन में आ जाएगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा मेरा ब्लॉग देखना, मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखना। क्या ज़्यादा अच्छा लगता है ये बताना मुझे ज़रूर, और कैसे कैसे टाइप के शॉर्ट्स वीडियो चाहिए। मैं सोच रही हूँ थोड़ा, ऐसा नहीं है कि बस ब्लॉगिंग करूँ, बहुत सी चीज़ें अलग अलग चीज़ें करूँ अब। तो मिलते हैं आप लोगों को अब नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ठीक है? बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, और धूप से बचे, गर्मी से बचे, और ठंडा ठंडा पानी पीते रहे। चलो गाइज़ बाय बाय।